मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। जब पहली बार इनको 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया और इनको जैसे ही भारत के लिए खेलने का मौका मिला, इन्होंने इतिहास रच दिया। अपने करियर की शुरुआत इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में पहली गेंद पर छक्का लगा कर की, और इसके साथ ही ये दुनिया के ऐसे पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में पहली गेंद पर ही छक्का लगाया हो। ये बात है 14 मार्च 2021 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 इंटरनेशनल मैच की। इसी मैच में सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम में शामिल किया गया था, और इसके बाद जो इन्होंने खेलना शुरू किया है, इसको देखते हुए सभी का यही कहना था कि काश इस खिलाड़ी को भारतीय टीम में थोड़ा पहले ही शामिल कर लेना चाहिए था। अब इसे चयन करने वालों की लापरवाही कहा जाए या कुछ और, उस समय सूर्य की उम्र 30 साल की थी जब इनका चयन भारतीय क्रिकेट टीम में किया गया। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपना हुनर 2015 में हुए IPL में ही दिखा दिया था, जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ महज 20 गेंदों में 46 रन जड़ दिए थे, जिसमें 5 छक्के भी शामिल थे। जो लोग इनके IPL के मैचों के दिनों से जानते हैं, उनको यह बताने की जरूरत नहीं कि सूर्य कितना धुआंधार बैटिंग करते हैं और हारे हुए मैच को जीत में कैसे बदलते हैं, यह भी देखा होगा आप लोगों ने। 5 से 8 साल इंतजार करने के बाद आखिरकार सूर्य कुमार यादव का चयन भारतीय टीम में हो ही गया। अब आइए जानते हैं सूर्य कुमार से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ। सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। इस वीडियो में आप इनका घर देख सकते हैं, ठीक ठाक सा है, ना ही ज़्यादा अमीर हैं और ना ही ज़्यादा गरीब। मैं आपको बता दूँ कि ये वही घर है जहाँ पर सूर्य कुमार यादव का जन्म हुआ था। गाजीपुर के एक गाँव हथौड़ा से ये बिलोंग करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये इनके अंकल जी हैं और ये इनके चचेरे भाई हैं। इन्होंने बताया कि सूर्य कुमार की माता जी का एक सपना है कि उनका बेटा देश के लिए वर्ल्ड कप लाए। हथौड़ा गांव में ही सूर्य कुमार यादव ने अपने शुरुआती जीवन के 10 साल बिताए हैं, लेकिन कुछ महीनों के लिए वाराणसी में भी रहे अपने चाचा विनोद यादव के साथ। इन्होंने इस सूर्य को सबसे पहले क्रिकेट के बारे में बताया और एक अच्छे ट्रेनर की तरह इसको ट्रेन भी किया। इसके बाद सूर्य मुंबई चले आए, क्योंकि पिता श्री अशोक यादव जी की नौकरी भी यहीं लगी थी, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। यहाँ इंजीनियर के पोस्ट पे ये कार्यरत हैं। मुंबई आने के बाद पिता ने सूर्य की प्रतिभा को पहचाना और बिना देरी किए एकेडमी ज्वाइन करा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सूर्य क्रिकेट में महारत हासिल करते गए। इन्होंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ा। 12th तक की पढ़ाई इन्होंने परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय से की। BCom की पढ़ाई इन्होंने पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस से की। कॉलेज के दौरान ही इनको देविशा से प्यार हुआ और आगे चलकर शादी कर ली। आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि सूर्य कुमार यादव 5 भाषाएं बोल लेते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी और इंग्लिश। इसमें कोई शक नहीं कि सूर्य ने अपनी मेहनत के बलबूते अपना नाम बनाया, पर वो नाम बनाने का मौका सूर्य कुमार को किसी ने दिया है तो वो गौतम गंभीर है। जब सूर्य KKR में शामिल हुए तो गौतम ने भरोसा करते हुए उनको वाइस कैप्टन बना दिया था। गौतम के एक्शन को देखते हुए सब लोग हैरान थे, पर मानना पड़ेगा गौतम सच में अपने अनुभव से एक बेहतर खिलाड़ी चुनने में कामयाब हुए, और सूर्य कुमार ने अपने खेल के अंदाज से गौतम का दिल जीत लिया और उनके भरोसे पर खरे उतरे। सूर्य कुमार यादव को स्काई नाम से भी लोग जानते हैं, और ये नाम गौतम गंभीर ने सूर्य कुमार यादव को दिया था। उन्होंने ही सबसे पहले स्काई नाम से उनको बुलाना शुरू किया, जिसके बाद सूर्य को सब लोगों ने स्काई नाम से बुलाना शुरू कर दिया। एक टाइम था स्काई को टीम इंडिया में शामिल होने के लिए 5 से 8 साल तक वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ा, लेकिन इंडिया वर्सेस हांगकांग T20 मुकाबले में 26 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। पर सबसे मजे की बात यह है कि 1 ओवर के भीतर ही इन्होंने 4 छक्के मार दिए थे। इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर विराट कोहली, जिनको क्रिकेट का किंग कहा जाता है, वो कुछ इस तरह से इनको सम्मान दिए। दोस्तों, स्काई T20 मैच फॉर्मेट में बैटिंग की जो रैंकिंग होती है उसमें नंबर 1 आ सकते हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन हो सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सबसे बड़ी खासियत अगर स्काई के अंदर मैंने आज तक देखी है दोस्तों, जो भी मैंने वीडियो के माध्यम से, जो भी इंटरव्यू के माध्यम से आज तक मैंने उनके अंदर आइडेंटिफाई किया है, तो वो काफ़ी हम्बल नेचर के लगते हैं और उनके फैंस के प्रति उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। इस वीडियो में मैंने देखा कि कैसे वे अपने फैंस के साथ इंजॉय कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल रक्स ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।